Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. Okay students, let us start the continuation of plant breeding methods. In last session, we have discussed what were the different steps just for improvement of plant breeding programs. Today we are going to start with the same topic, but we will discuss with some of the examples some Indian hybrid crops. Here you can see the first example is regarding wheat and rice varieties. During the period of 1960 up to 2000, the wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons. It's a big amount. Even rice production had increased from 35 million tons to 89.5 million tons. So it is also a big number. And it was possible due to development of semi-dwarf varieties of wheat as well as rice. So this was an usefulness of plant breeding. Actually, Nobel laureate Norman Borlaug, this is the scientist's name, and he got the Nobel Prize also. So Nobel laureate Norman Borlaug at International Center for Wheat and Maize Improvement in Mexico had developed semi-dwarf variety of wheat. So this you have to remember. Then next, in 1963, several varieties like Sonalika, Kalyan Sona, which were high yielding and disease resistant. So आपने ध्यान दिया होगा बार बार इसी character पे focus करते हैं हम. एक तो high yielding होनी चाहिए, उसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, plus disease resistant वो crop होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा yield दे सके. So they were introduced all over the wheat growing belt of India. Semi-dwarf rice varieties were derived from IR8, that is developed at International Rice Research Institute, जिसका short form है IRRI. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखाई है IRRI, is in Philippines, and Taichung Native 1 from Taiwan. The derivatives were introduced in 1966, and later better yielding semi-dwarf varieties like Jaya and Ratna were developed in India. So, ye sare naam aapko actually related to wheat and rice you have to remember. Ab jo topic pure abhi jo humne start kiya hai wahan se leke aaj aur kal ke jo topics honge wo remember based hain, knowledge based hain, to isme aapko as such yaad naam rakhne padenge. बहुत सारी वैरायटीज़ के नाम और किस तरह से वो डेवलप किए गए हैं, साइंटिस्ट के नाम जो भी हैं वो आपको याद रख ज़्यादा रखने पड़ेंगे. नाउ अदर इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स, इट विल इंक्लूड शुगर केन. आपको मालूम है शुगर केन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, एंड एज सच ऑल्सो शुगर केन इज़ यूज, शुगर केन जूस दैट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ जूस, दैन इवन द जैगरी दैट इज़ प्रिपेयर्ड, एंड मैनी मोर इंडस्ट्रियल यूजेज आर देयर. ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा योगदान देती है भारत के डेवलपमेंट के लिए. सो द साइंटिफिक नेम इज सैक्रम बैरबेरी, एंड इट वॉज ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड. तो ओरिजिनली ऐसा था. देन ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, उसका नाम अलग है, सैक्रम ऑफिशिनेरम. और उसके हम अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ऑफिशिनेरम हैड थिकर स्टेम्स एंड हायर शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया. सबका अपना अपना एरिया होता है, सभी क्रॉप अपने अपने एरिया में ज़्यादा फ्लरिश करती हैं. सो दीज टू स्पीशीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड टू गेट शुगर केन वेराइटीज कंबाइनिंग द डिज़ायरेबल क्वालिटीज ऑफ बोथ. ओके, जिसमें थिक स्टेम भी आ गया, हाई यील्डिंग वेराइटी भी आ गई, हाई शुगर कंटेंट आ गया, एज वेल एज एबिलिटी टू ग्रो इन शुगर केन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो सारी जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स थे, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे जो हमको चाहिए थे,
वो हमने क्रॉस इन दोनों की उन दोनों वेराइटीज को क्रॉस करके उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हमने ले लिया। देन नेक्स्ट इज फॉर मिलेट्स, आई हैव फॉरगॉटन टू अंडरलाइन इट। जैसे शुगर केन को हमने अंडरलाइन किया, इसके पहले हमने वीट एंड राइस को किया था, वैसे ही मिलेट भी एक दूसरा क्रॉप है। एंड हियर हाइब्रिड मेज, जुवार एंड बाजरा, दे हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। इन सब का हाइब्रिड है, हाइब्रिड वेराइटीज़ हमने डेवलप की हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, क्योंकि मोस्टली जो ड्राइड रीजन्स हैं, जो ड्राउट वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे भी ये क्रॉप्स यूज़ की जाती हैं। तो इन क्रॉप्स में वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट की भी एबिलिटी होनी चाहिए, वो विदस्टैंड करने चाहिए अगर पानी की कमी है, क्योंकि ड्राउट रीजन में, ड्राई रीजन में जनरली ऐसा होता है, तो भी वो उनकी क्रॉप पे कोई असर नहीं होनी चाहिए। तो वैसा जीन हमने इनकॉर्पोरेट किया या हाइब्रिड वेराइटी हमने डेवलप करने की कोशिश की। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। तो किस तरह से अलग अलग डिजीज के सामने वो रेजिस्टेंट करके हमने नई वेराइटीज़ को डेवलप किया है। मोस्टली फंगस इफेक्ट करता है, इट इज़ अ पैथोजन, देन बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं अलग अलग, सो दे अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीशीज एंड स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, क्योंकि ये उन लोगों को भी ग्रो करने का फेवरेबल सीजन और एरिया होता है। सो क्रॉप लॉसेस can often be significant, but 20-30% or sometimes even total crops they are damaged due to these disease condition. So in this particular situation, breeding and development of cultivators which are resistant to disease enhance food production. So this also help to reduce dependence of use of fungicides and bactericides, kyunki generally ye harmful rehte hain, किसी न किसी तरह से फूड चेन, फूड वेब में ये एंटर हो जाते हैं और ह्यूमन को भी वो अफेक्ट करते हैं। तो अब इनका कम से कम यूज़ किया जाता है सो दैट वी कैन सेव आवर लाइव्स। इवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीज एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होस्ट प्लांट। देन बिफोर ब्रीडिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब तक हम डिजीज किससे होता है, किस ऑर्गेनिज्म से होता है वो मालूम नहीं चलेगा, तब तक उसका रेमेडी हम नहीं ला सकते, या फिर किससे वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। सो ट्रांसमिशन मीन्स वैक्टर कौन है उसका, हाउस फ्लाइज हैं या एनोफिलीज है, जैसे हम मलेरिया में देखते हैं। ये तो प्लांट डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्लांट डिजीज़ में अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग वेक्टर्स होते हैं, बट स्टिल वी शुड नो द कॉज और द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो दीज टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर। हियर फ्यू एग्जाम्पल्स दे आर गिवन, सम ऑफ द डिजीज विच आर कॉज बाय फंगाई दे आर एक्चुअली नोन एज रस्ट। आपने सुना होगा रस्ट ऑफ वीट, ये सबसे कॉमन है, ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, क्योंकि जो रस्ट का कलर होता है वैसा ही कलरिंग हमको दिखता है ड्यू टू इट्स इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन है। एंड इवन रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आपने देखा होगा कितनी बार हम ये जो शेरडी को तोड़ते हैं बीच में से, तो अंदर हमको रेड रेड कलर की लाइन्स दिखती हैं, सो एक्चुअली दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। एंड इवन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो दे आर सीन, सो दीज डिजीजेज दे आर समटाइम्स सीन इन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। देन ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स दे आर ऑल्सो सीन, एंड सो ये सब बैक्टीरिया से कॉज होती है, लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सो दीज आर थ्रू बैक्टीरिया, एंड इवन ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स ये भी बैक्टीरिया के थ्रू, देन वायरसेस के थ्रू टोबैको मोजैक, टर्निप मोजैक एक्सेट्रा, तो ये सभी वायरसेस कॉज करते हैं। तो अलग अलग डिजीजेज हैं
और इससे भी बहुत ज़्यादा हैं डिजीज़ेस, बट जब तक हम इसकी डिटेल फर्दर स्टडीज़ नहीं करते हैं तब तक हमको ज़्यादा नहीं मालूम चलता है। तो अभी हमारे सिलेबस में इतना ही दिया है, ठीक है। सो इन दिस वे जितनी भी वेजिटेबल्स वेराइटी हैं वो ब्रैसिका में मोस्टली हम यूज़ करते हैं या उसको इंक्लूड करते हैं। एंड ये सारी डिजीज़ेस अलग अलग पैथोजेंस की वजह से होती हैं। सो इनको पैथोजन के अगेंस्ट में कैसे हम डेवलप करें, तो उसके लिए हम थोड़े मेथड्स नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, द मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। सो एक्चुअली ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, और समटाइम्स बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, हम टोटली जीन्स का चेंज कर देते हैं। द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट्स स्टेप्स आर असेंशियली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ ब्रीडिंग फॉर एनी अदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स लाइक हाई ईल्ड और डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी लाइक दैट। सो वेरियस सिक्वेंशियल स्टेप्स दे आर फोकस्ड हियर, यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो आप, स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्स, क्योंकि उसका जो जीन का मेकअप है, जेनेटिक मेकअप है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं या उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। इवन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, क्योंकि हमको डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करनी है तो ये हमको सब पहले से ही तैयार करके रखना होगा। एंड इवन सेलेक्शन एंड इवेल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स, एक्चुअली ये पूरा मेथड ही है, हमने पढ़ लिया है लास्ट सेशन में, प्लांट ब्रीडिंग के जो मेथड्स हैं उसमें यही सारे स्टेप्स आते हैं। तो अगर हमको डिजीज रेजिस्टेंस वाला डेवलप करना है कैरेक्टर तो हमको यही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, हमने ये सारे पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, वी आर ओनली रिपीटिंग देम। सो फर्स्टली स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमारे काम का कैरेक्टर है, हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स है। देन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सेलेक्टेड पेरेंट्स में, उसमें से फिर से सेलेक्शन करेंगे ऑफस्प्रिंग में से, उसको एवेल्यूएट करेंगे कि कौन सा अच्छा है, क्या है, ये है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है ना। लास्ट में जब भी कमर्शियल बैकग्राउंड पे उसको रिलीज़ किया जाता है उसके पहले टेस्टिंग होती है, अलग अलग सीजन्स में उसको ग्रो करके देखा जाता है, साथ साथ में उसकी ईल्ड या जो भी हमने कैरेक्टर डेवलप किया है वो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। सो ऑल दीज स्टेप्स आर हियर ऑल्सो रिपीटेड। देन हियर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स दे आर गिवन जस्ट रिगार्डिंग सम ऑफ द क्रॉप वेराइटीज़ विच आर ब्रेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन फॉर पर्टिकुलरली डिजीज रेजिस्टेंस टू आइदर फंगस और बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है, इनके अगेंस्ट में हमने डेवलप करने की ट्राई की है। सो इन फर्स्ट कॉलम द क्रॉप नेम्स आर गिवन लाइक वीट, ब्रैसिका, कॉलीफ्लावर, कोपिया एंड चिली, इसी तरह से अलग अलग वेराइटीज़ के नाम हैं ये, और ये किसके रेजिस्टेंस हैं, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, तो वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ये टेबल आपको एज सच लर्न करना है। पूरा टेबल ड्रॉ करने के लिए बहुत कम पूछते हैं, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म, कभी कभी अगर एग्जामिनर की इच्छा हो तो पूछ भी सकते हैं वो। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉलेज बेस्ड टॉपिक एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एग्जाम्पल्स। सो वीट के लिए वेराइटी का अगर हम नाम देखते हैं तो हिमगिरी, एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू डिजीज वेयर द लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट्स और हिल बर्नड दे आर ऑब्जर्व्ड। देन ब्रैसिका अनदर क्रॉप एंड द वेराइटी विच इज़ डेवलप्ड दैट इज़ पूसा स्वर्णिम या करण राई, इसको कॉमनली करण राई हम बोलते हैं, एंड इट इज़ अगेंस्ट वाइट रस्ट। देन नेक्स्ट क्रॉप इज कॉलीफ्लावर एंड वेराइटीज विच आर डेवलप्ड दे आर पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1। इसी तरह से फॉर ब्लैक रॉट एंड कर्ड, इसके अगेंस्ट में डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप की है, और साथ साथ में नेक्स्ट के लिए ब्लाइट ब्लैक रॉट। ओके, ये सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर दिखते हैं ड्यू टू सर्टन इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस मे बी ड्यू टू फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। सिमिलरली कोपिया क्रॉप जिसकी वेराइटी डेवलप की है पूसा कोमल एंड इट इज़ अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट। लास्टली चिली पूसा सदाबहार
एंड इट इज़ डेवलप्ड, दिस वेराइटी इज़ डेवलप्ड अगेंस्ट चिली मोज़ेक वायरस, आप देख सकते हो ये वायरल इन्फेक्शन से होती है, देन टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफी कर्ल्स. सो इन दिस वे दीज न्यू वेराइटीज दे आर डेवलप्ड. तो ये हिमगिरी जैसे पूछें तो किसकी वेराइटी आपको मालूम होना चाहिए, वीट की. पूसा कोमल किसकी वेराइटी है, तो आपको मालूम होना चाहिए काउपी. ओके, सिमिलरली पूसा सदाबहार फॉर चिली लाइक दैट. तो ये पूरा टेबल आपको एज सच लर्न करना है. इवन अदर ब्रीडिंग मैथड्स विच आर यूज आर सेलेक्शन अमंग्स सोमा क्लोनल वेरियंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये भी थोड़े अलग तरह के टेक्निक्स हैं. एक्चुअली कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स. दैट इज़ वाई दे आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाई इन वेरियस क्रॉप वेराइटीज ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स. जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग के मैथड्स में हमने देखे 4-5 स्टेप्स वही डिस्कस किए हैं यहाँ पे. तो वाइल्ड वेराइटीज़ को सेलेक्ट कर करके, आर्टिफिशियल सेलेक्शन कर करके, और हम ये ऐसे डिजायर्ड कैरेक्टर्स को अलग कर लेते हैं. सो दे आर इंड्यूसिंग द म्यूटेशंस इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन स्क्रीनिंग द प्लांट मटीरियल फॉर रेजिस्टेंस समटाइम लीड्स टू डिजायरेबल जीन्स बींग आइडेंटिफाइड. एंड प्लांट्स हैविंग दीज डिजायरेबल कैरेक्टर्स कैन देन बी आइदर मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज इन ब्रीडिंग. सो इसमें मोस्टली सोमा क्लोनल वेरियंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ होता है. देन लेट अस सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन हेयर. वी ऑल नो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस दे आर क्रिएटेड थ्रू द चेंजेस इन द बेस सिक्वेंस विद इन द जीन्स दैट वी हैव लर्न्ड इन चैप्टर 5. एंड दे रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ टोटली न्यू कैरेक्टर और टोटली न्यू ट्रेट नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप. जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट्स की बात की थी, तो यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट्स डेवलप कर सकते हैं. एंड इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियली ऑल्सो थ्रू द यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स और रेडिएशंस. क्योंकि हमको मालूम है म्यूटाजेंस जिसको बोलते हैं, म्यूटाजेंस में भी फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस. तो यहाँ पे हम केमिकल्स और रेडिएशंस का यूज़ करके भी हम जैसा चाहें वैसा म्यूटेशन उसमें क्रिएट कर सकते हैं इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. जैसे कि गामा रेडिएशंस का यूज़ कर सकते हैं एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग. सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग, क्योंकि हम म्यूटेशन का यूज़ कर रहे हैं इंटेंशनली. फॉर एग्जाम्पल इन मूंग बीन्स रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस, तो इस तरह से वेराइटी डेवलप की गई है. एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस. तो यहाँ पे भी आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. सिमिलरली सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दे हैव बीन शोन टू हैव सर्टन रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स बट हैव वेरी लो ईल्ड. सो वॉट वी हैव टू डू दैट इज देर इज़ अ नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंस जीन्स इन टू हाई ईल्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज. क्योंकि लो ईल्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको थोड़ी हाई ईल्डिंग कल्टिवेटेड वेराइटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. एंड दैट इज़ वाई दे हैव टू बी डेवलप रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन एक्चुअली भिंडी, और इसका साइंटिफिक नेम है एबेलमोकस एस्क्यूलेंटस. And it was transferred from a wild species and resulted into a new variety. और new variety का नाम हम देख सकते हैं, scientific name same रहेगा, Abelmoscus esculentus, but now they are known as Parbani Kranti. तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज करके हम disease के सामने उसको resistance बना सकते हैं. और फिर ये अगर हम इनकी crops डेवलप करते हैं तो हमको ज़्यादा ईल्ड मिलता है, डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी मिलती है, तो इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदा होता है. सो ऑल द अबव एग्जांपल्स दे आर इन्वॉल्विंग द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स दैट आर इन द सेम क्रॉप स्पीशीज विच हैड टू बी ब्रीड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस और इन अ रिलेटेड वाइल्ड स्पीशीज ऑल्सो. सो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंट जीन इज अचीव्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन the desired plants or parents which are followed by selection. तो इसमें main जो importance रहेगा वो plant breeding techniques का रहेगा, methods का रहेगा. ठीक है, तो आज हमने ये छोटा topic ही discuss किया है, the plant breeding which were developed just against certain disease resistant variety just to develop them.
And even we had discussed some of the examples regarding hybrid crops of wheat, rice, sugarcane, and millets. So today we are ending our session here, and most probably in very few sessions we will be completing this chapter also. And थोड़ा थोड़ा fast topic हमारा जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. But still मैं मेरी तरह से आपको सब कुछ डिटेल में समझाने की भी ट्राई करती हूँ. कितनी बार मैं आपको फिर से हिंदी में रिपीट करके समझाने की कोशिश करती हूँ. आई थिंक अगर किसी को प्रॉब्लम आए टोटली डायरेक्टली इंग्लिश समझने में तो थोड़ा इजी गोइंग रहे. सो डोंट टेक इट अदरवाइज. अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. अदरवाइज गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स, डू लर्न देम डेली, रिवाइज देम डेली, और जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको भी जब जब भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप रिवाइज करते रहना. ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स.